हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने Vivo y1s एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है डिसेबल नोटिफिकेशन विल रिकॉर्डिंग सेटिंग को अपना यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये डिसेबल नोटिफिकेशन विल रिकॉर्डिंग सेटिंग जो है कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप ये वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको ये ऑप्शन मिलेगा एस कैप्चर, इसे सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, ये डिसेबल नोटिफिकेशन विल रिकॉर्डिंग, ठीक है। इस ऑप्शन के सामने वाले बटन को आपको टैप करना है, तो ये बटन आपका ऑन हो जाएगा ब्लू कलर में। अब ये सेटिंग ऑन होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे ना, स्क्रीन की रिकॉर्डिंग, तो जब तक आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन की रिकॉर्डिंग चालू रहेगी, तो उस बीच में आपके मोबाइल फोन पर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपके फोन की स्क्रीन पर आपको नोटिफिकेशन आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपके फोन के अंदर वो नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। जब तक फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू रहेगी, तब तक फोन की स्क्रीन के ऊपर आपको नोटिफिकेशन दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये सेटिंग जो इस तरीके से काम करती है आपकी, ठीक है। अब मैं आपको जो है ना इस सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूं आपके मोबाइल फोन में। इसके लिए आपको मोबाइल फोन को ये सेटिंग पेज ना फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। सेटिंग पेज को फिर से ओपन कीजिए। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर सर्च आइकन का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, और यहां पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है, डिसेबल नोटिफिकेशन विल रिकॉर्डिंग, ठीक है। इस तरीके से तो आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा डिसेबल नोटिफिकेशन विल रिकॉर्डिंग का, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहां पर आपको ना एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप ये सबसे ऊपर सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे, तो यहां पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब ये ऑप्शन नीचे की साइड में शो हो जाता है, तो इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, आपका फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में लेकर आ जाएगा और नीचे की साइड आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।